चाहते हैं कि मैं 1 लाख से ऊपर इनकम ले? सभी लोग चाहते हैं। यस पक्का। यस तो कमाल कर दिया है, ग्रेट। चले 100% सही जगह बैठे हैं आप। अच्छा एक चीज बताइए, नौकरी में हो सकता है क्या? नो। सच है ना? यस। बिजनेस में भी 1 लाख कमाने के लिए कई करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, सच है ना? यस। बहुत सारे रिक्स होते हैं, बैठना पड़ता है, नॉलेज चाहिए, सच है ना? यस। और हमने बिल्कुल सर ने सही कहा, हम 1 लाख तो कमाना चाहते हैं लेकिन यूनिफॉर्म पहनना नहीं चाहते, अपने अंदर ड्रेस बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। बदलाव नहीं लाओगे तो 1 लाख रुपए कैसे आएगा? सच है ना? Yes. देखो जब भी इतिहास गवाह है, जो जो लोग अपने आप को बदले हैं विकास उन्हीं का हुआ है। राइट? Yes. Right? Yes. क्या आप अपना विकास करना चाहते हैं? Yes. तो बदलना तो पड़ेगा। Yes. तुम पहले वाले सोच में नहीं चलेगा काम। राइट? Yes. चलिए जैसे आपने जाना, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और इस बिजनेस को जो ज्वाइन किया पहले दिन ही अपना क्यों क्लियर किया। क्या किया? क्यों क्लियर किया कि वेस्टेज क्यों करना है। बहुत सारे सिस्टम चल रही है, बहुत सारे काम है, वेस्टेज ही क्यों? क्यों क्लियर हुआ और मैंने स्टार्ट किया बिना किसी से पूछे। बहुत सारे साथी अभी भी यहां से ज्वाइन ट्रेनिंग लेके जाएंगे, पूछेंगे अपने मम्मी से, ट्रेनिंग लेके जाएंगे पूछेंगे अपने पापा जी से, पूछेंगे अपने पड़ोसी से, ऐसा ही होता है ना? Yes. एक चीज बताओ, पहली बार मेरे से कितने लोग मिल रहे हैं आज? वाओ, काफी लोग मिल रहे हैं। एक बार ताली बजा दीजिए मेहमान के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मेरे को देखा, आपके मम्मी या पापा तो नहीं देखा ना? तो आप जब मेरे को सुन रहे हो, आपके मम्मी पापा तो नहीं सुना ना? तो वो आपको कैसे बता सकता है मेरे बारे में? हाँ जी, सिस्टम को आपने देखा है ना? Yes. तो आपको पता होगा। उनसे पूछे जिनको इस चीज के बारे में पता हो, सच है ना? Yes. मैंने यही गलती नहीं की शुरू में, मैंने स्टार्ट किया आप ही के जैसे पीछे खड़े होके इस बिजनेस को देख रहा था। लेट से आया तो जगह नहीं मिली, सीट नहीं मिला, आने वाले भी लोग धक्का मारते थे, जाने वाले भी। अब समझ सकते हैं गेट पे खड़े होने में यही आलम होता है, ऐसे ही होता है ना? Yes. कितने लोगों को लगता है कैसा होता है? हम सभी को लगता है, राइट? गुड। मेरा भी आलम था लेकिन मेरा फोकस था यहाँ स्टेज पे। जैसे सर जैसे लीडर्स बोल रहे थे उस दिन, बता रहे थे ये बिजनेस को क्यों करना है। मुझे सिंपल सा बात समझ आया कि दुकान बदलने से अगर अपनी लाइफ बदलती है तो हमें दुकान बदल देने में ही अकलमंदी है। सच है ना? यस। कितने लोगों को लगता है ये आसान काम है? लगा हम सभी को लगता है आसान काम है। Yes. आसान काम आप करो, मुश्किल काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। Yes. अगर टाइम नहीं है तो लाखों की इनकम होनी चाहिए। Yes. Yes, you know? Yes. मैं देख रहा हूँ इनकम के बारे में, देखा तो 30,000, 35,000, 300 रुपए से हमने स्टार्ट किया था। अब 30,000, 35,000 से ज्यादा कमा ही नहीं पाए। 30,000, 35,000 से ज्यादा मेरी इनकम है ही नहीं। 30,000, 35,000 में मैं इतनी बिजी हो गया हूँ, 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हम उम्मीद तोड़ने की वजह से आप सक्सेस की तरफ बढ़ते बढ़ते आप पीछे हो जाते हो, समझ रहे? आप भी होते हो, बहुत सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं उनको भी उम्मीद तोड़ देते हैं आप। इसीलिए कहा जाता है स्विच ऑफ मोबाइल, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया करो, या ज्यादा अर्जेंट है तो साइलेंट मोड में डाला करो, वाइब्रेशन में मत डाला करो, नहीं तो वो डांस करता है ना। आप जब कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं वहीं पर डांस शुरू कर देता है। तो ऐसा मत करो, अपनी कामयाबी से धोखा मत करो, समझ रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपनी कामयाबी के पीछे आप कुल्हाड़ी लेके खड़े हैं, अपने कामयाबी पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। क्या आप चाहते हो कि आप अपनी कामयाबी को कुल्हाड़ी मारे? तो क्यों करते हो ऐसा, क्यों करते हो? सोच के देखो ना, आपको खुद ही डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, राइट? Yes. अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो और उसको फॉलो ही नहीं करते हो तो 1 लाख रुपए कैसे आएगा आपके पास? आएगा क्या? No. एक आदमी भी बता दे मुझे, उसको फॉलो करना पड़ेगा, सच है ना? Yes. कितने लोग मेरी बात से सहमत है? शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सहमत है क्योंकि मैं पता है मुझे वो करना पड़ता है। हमें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है, सच है ना? Yes. लेकिन मिलना पड़ता है। सवाल 1 लाख रुपए का है, सच है ना? Yes. लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता लेकिन बात करना पड़ता है,
सवाल एक लाख रुपए का है, बोलो एक साथ, सवाल एक लाख रुपए का है। आप सोचो ड्यूटी जाना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन ड्यूटी जाना सवाल पापी पेट का सवाल है। यस ये लो, यहाँ भी तो ये सोचो सवाल एक लाख का है, सच है ना? पापी पेट के लिए हम पता नहीं आंधी तूफान सर्दी गर्मी सब में ड्यूटी जाते हैं, यहाँ मिलना पसंद नहीं आता है, समझ रहे? मिलना तो पड़ेगा। सवाल एक लाख रुपए का है, तो जाना चाहिए ना, बात करनी चाहिए ना। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये बिजनेस क्यों करना है, मैं क्या भी क्यों क्लियर करने वाला था आपका। मैंने देखा 30,000-35,000 में मैं इतना बिजी हो गया हूँ, 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है मुझे और 1 लाख कमाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे बोलते ना। मेरे से जो बड़े थे उम्र में, उनको जब बताने गया पता क्या बोले, बेटा जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरे पास तजुर्बा है, तजुर्बा। स्टाइल में बोलते थे चालू कर दीजिए, क्यों बंद कर दिया? लाइट चालू कर दीजिए, फिल्म चल रही है। अच्छा यह रियल फिल्म है, समझ लो आप बोल रहे हो यहाँ पे, समझ रहे? राइट, सोच के देखिए। मुझे जो बोला ना उन्होंने कि बेटा जितनी तेरी उम्र नहीं है ना उससे ज्यादा मेरे पास तजुर्बा है, तो मैं उनको कैसे जवाब देता? सब शुरू में ऐसे ही होता है ना, शुरू में अक्सर ऐसे ही होता है, सामने वाला इतना डेंजर होता है कि आप उनका मुकाबला करना आपके बस में नहीं होता, लेकिन सिस्टम की ताकत आपके पास है तो आप उनका मुकाबला भी करते हैं, उनको सिस्टम में लाते भी हैं। कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कैसे बिजनेस करूंगा, मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, तो जिंदगी में कभी कर पाता नहीं कर पाता। लेकिन मैंने एक जरा सा भी ये सोचा नहीं, मुझे एक चीज पता था कि ये नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव सोच है, खुद को बदल सकते हैं। यस ये नो, कहता जब ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार हो सकता है तो क्या ट्रेनिंग से करोड़पति तैयार नहीं हो सकता? जी मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो? आप तैयार हो? तैयार हो? आप जब अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो कामयाबी आपके पास आने के लिए तैयार है। और मैंने किसी की नहीं सुनी, सब सिस्टम को फॉलो किया। लोग आते नहीं थे, लोगों को जबरदस्ती लाना पड़ता था, लोग सुनते नहीं थे, लोगों से सुनाना पड़ता था, लोग मिलते नहीं थे, लोगों को मिलना पड़ता था। उल्टा हो गया, पहले लोगों से मेरे को टाइम दे के नहीं मिलते थे, आज मेरे से लोग नहीं मिल पाते। सोच के देखिए रीजन, अगर मैं उनकी बात मान लेता तो क्या ऐसा होता? No. आप सब चाहते हो ऐसे बोले? Yes. कितने लोग चाहते हो? सभी लोग? Yes. पक्का? Yes. तो जो मैंने किया वो करना पड़ेगा, कर सकते हैं? Yes. मैंने क्या क्या सिस्टम को फॉलो किया, अप्लाई सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो किया, और मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। ये 3 काम हमने किए, कर सकते हैं? Yes. आसान है, मुश्किल है? आसान, आसान है। मुझे एक चीज समझ आ गई, एक चीज बताओ, सुबह ना जब हमने आसान क्यों लगा, सुबह कितने लोग नहाते हैं? अरे कैसा सवाल है, देखो सभी लोग नहाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, नहाने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? हाँ जी, जीरो। अच्छा सुबह चाय कितने लोग पीते हैं? सभी लोग। अच्छा सभी लोग पीते हैं, जो चाय नहीं पीता कॉफी है हमारे पास, कॉफी पिला देंगे। पक्का? Yes. सभी लोग पीते हैं? Yes. ओके। अच्छा कॉफी पीने के लिए कितनी बार स्कूल जाना पड़ता है? जीरो। जी जीरो। जीरो। Yes. अच्छा सुबह कितने लोग मुंह धोते हैं? सभी लोग। जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं धोते क्या? अच्छा अच्छा पड़ोस में देख लेना। ओके लगभग सभी लोग धोते हैं। एक चीज बताओ, मुंह धोने के लिए कितना डिग्री पास होना जरूरी है? जीरो। जी जीरो। मुझे समझ आ गई, पढ़ाई लिखाई एक अलग जगह पे है, कामयाबी एक अलग जगह पे। Yes. तो और हंसते ही है, तो मुझे एक चीज समझ आ गई, धीरू भाई अंबानी पर भी लोग हंसे थे या नहीं? Yes. अच्छा एक चीज बताओ, उन पे हंसे, आज वो अमीर आदमी है गरीब आदमी है? अमीर। तो मुझे समझ आ गई, जब धीरू भाई अंबानी को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मेरे को कैसे छोड़ेगा? Yes. Yes. जब उन पे भी लोग हंसे तो वो इतिहास रचे, मेरे पर भी लोग हंसा है मैं भी इतिहास रचने वाला हूँ।
हर महीने का प्योर 5 लाख 6 लाख 6.5 लाख पर मंथ आता है। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 8,49,561 रुपए का एक महीने का है। इसी साल मैं 20 लाख को क्रॉस करने वाला हूं। इसी साल अचीवमेंट की बात करें तो 22 साल हमने सिलाई किया, अब पटरी पे टी शर्ट बेचा, आवाज लगा लेके 125 कभी जिंदगी में मोटरसाइकिल नहीं ले पाया और आज यहाँ से दो दो कार का मालिक हूँ। पहला कार मिला i20 जिसको कई बार तो हमने ठोक दिया क्योंकि चलानी आती नहीं थी, मिल गई बेचारी को कार, करे क्या, कभी गेट बाहर कभी मुंडी बाहर। अभी दूसरी कार मिली है जिसका नाम है BMW X1 टॉप मॉडल। Join the wealth revolution.